दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहोगे जहां सुंदर लड़की आपका सारा काम कर दे और भी वो सब कुछ करे जो आपका मन हो। आज की ये मूवी एक ऐसे ही स्टोरी पर है और वो लड़की ऐसा क्यों करती है आज के इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत एक विद्रोह से होती है। अमेरिका के लोग फांसी की सजा बंद करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि इंसान को जीवन और मौत देने का हक सिर्फ गॉड के पास है। एक लंबे विद्रोह के बाद अमेरिका की सरकार लोगों की बात मानकर देश में फांसी की सजा बंद कर देती है। कुछ सालों बाद कहानी एक आइलैंड से शुरू होती है जिसका नाम टर्मिनल आइलैंड था। ये आइलैंड अमेरिका से दूर बिल्कुल अलग था। अमेरिका की पुलिस यहाँ उन अपराधी को छोड़ देती थी जो फांसी की सजा के हकदार होते थे। विद्रोह के बाद अमेरिका में फांसी की सजा बंद हो चुकी थी, जिसके बाद से पुलिस इस आइलैंड का इस्तेमाल कर रही थी। आज पुलिस सेना नाम की एक लड़की को आइलैंड के पास लाकर कहती है, जज ने तुम्हें इस आइलैंड पर भेजने का फैसला सुनाया था, इसीलिए अब तुम्हें अपने बाकी की पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजारनी होगी। इसके बाद पुलिस सेना को आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये आइलैंड किसी नर्क से कम नहीं था क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपराधी रहते थे। थोड़ी देर बाद सेना की नजर एक गाँव पर पड़ती है। ये गाँव इस आइलैंड का इकलौता गाँव था और यहाँ बहुत सारे खतरनाक अपराधी रहते थे। इस गाँव का सरदार ताकतवर मोंग था और उसके साथ नजर आ रहे लंबे बालों वाले का नाम बॉबी था। बॉबी मोंग का साथी और उसका सलाहकार था। इन दोनों की नजर सेना पर पड़ चुकी थी जो अभी अभी गांव में दाखिल हुई थी। गांव के सभी लोग सेना को ऐसे घूर रहे थे जैसे भेड़ियों के बीच बकरी आ गई हो। इस गांव में तीन खूबसूरत लड़कियां भी रहती थी और वो भी दूर से सेना को देखने लगती है। अब मोंग सेना के पास जाकर उसे अपना सब कुछ उतारने को कहता है, लेकिन सेना उसकी बात नहीं मानती और मोंग सेना को पीटने लग जाता है। मोंग से मार खाकर सेना बहुत रोती है क्योंकि गांव के किसी भी आदमी ने सेना की मदद नहीं की थी। रात को सेना बाकी की तीन लड़कियों के साथ आराम कर रही थी। लड़कियां उसे बताती हैं कि अगर तुमने गांव से भागने की कोशिश की तो गांव का सरदार मोंग तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा। अगले दिन सुबह लड़कियां काम पर लग जाती हैं। इस गांव में पूरे दिन लड़कियों से काम करवाया जाता था। उनसे खेती के साथ साथ मजदूरी भी करवाई जाती थी। पूरा दिन काम करने के बाद जब लड़कियां आराम करने लगती थी तो मोंग उनके पास आ जाता था। वो यहाँ आकर इन्हें ये बताता था कि किस लड़की को किस आदमी के साथ पलंग तोड़ना है। मोंग के जाने के बाद बनी बॉबी के पास जाकर उसके साथ रात बिताती है। बाकी ये लड़कियां भी दूसरी आदमी के पास जाकर उनके साथ पलंग तोड़ती है। अगले दिन सभी लोग खाने की लाइन में लगे हुए थे और लड़कियां उन्हें खाना दे रही थी। इसी बीच विल नाम का आदमी गलती से लाइम का खाना गिरा देता है, जिसके बाद लाइम विल को पीटने लग गया था। मोंग उन दोनों को रोकना चाहता था लेकिन बॉबी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ छोटे छोटे बातों पर अक्सर ही ऐसे मारपीट हो जाती है। लाइम लगातार विल को मार रहा था और फिर देखते ही देखते वो सभी के सामने विल को मार देता है। विल की मौत देख कर बॉबी कहता है, विल बूढ़ा हो चुका था, वो काम कम करता था और खाना ज्यादा खाता था। इसके बाद गाँव के लोग विल की लाश उठाकर पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां गांव के आदमियों के कपड़े धो रही थी। उन पर नजर रखने के लिए मोंग के चार आदमी भी वहीं आसपास थे। इसी दौरान मोंग के आदमियों पर नए आदमी हमला कर देते हैं। ये नए लोग एक ग्रुप के आदमी थे और इस ग्रुप का दुश्मन मोंग और उसके आदमी थे। ये ग्रुप मौका मिलने पर मोंग के आदमियों पर हमला कर देते हैं ताकि मोंग के आदमियों को मार कर उसे कमजोर किया जा सके। आज भी ये मोंग के आदमी को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और फिर लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस ग्रुप के सरदार का नाम लिस था। लिस ने उन लोगों को इकट्ठा कर अपना ग्रुप बनाया था जो मोंग के जुल्मों से तंग आ चुके थे। वो लड़कियों को सब बताता है कि हम मोंग को मारना चाहते हैं ताकि हम सभी इस आइलैंड पर आराम से रह सके। उनकी बात सुनकर सभी लड़कियां उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। कुछ दिनों बाद लड़कियां लिस के ग्रुप में पूरी तरह घुल मिल जाती है। सेना को मोजो नाम का आदमी अच्छा लगने लगा था और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसी के साथ बिताने लगी थी। जॉय सबसे सुंदर लड़की थी और उसकी खूबसूरती देखकर लिस के कई आदमी उस पर फिदा हो चुके थे। कुछ दिनों बाद लिस के ग्रुप पर मोंग और उसके साथी हमला कर देते हैं। मोंग ने ये हमला इसलिए किया था ताकि वो लड़कियों को वापस पा सके, मगर लिस के आदमी मोंग के आदमियों का बहादुरी से सामना कर लेते हैं और उन्हें मारकर वहाँ से भगाने लगते हैं। इसी बीच मोंग और लिस भी एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों की लड़ाई में लिस मोंग पर भारी पड़ता है। वो आज मोंग को खत्म करना चाहता था लेकिन तभी वहाँ मोंग के और आदमी आ जाते हैं जिस कारण लिस को वहाँ से भागना पड़ता है। आज लड़ाई में लिस के कई आदमी मारे गए थे और कुछ काफी जख्मी हो गए थे। अब लिस के पास काफी कम आदमी बचे थे और ये बात खतरनाक थी। मोंग आज नहीं तो कल फिर से उन पर हमला करेगा और उसके हमले का जवाब देने के लिए लिस को हथियारों की जरूरत थी। अगले ही दिन लिस के आदमी कच्चे पक्के हथियार तैयार करने लगते हैं। बॉब एक ऐसी पाइप बना रहा था जिसकी मदद से वो दूर खड़े आदमी को बेहोश कर सके। इसके बाद वो सभी मिलकर बम बनाने लगते हैं ताकि वो मोंग के आदमी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ मोंग और बॉबी रेडियो बना रहे थे ताकि वो खाली समय में गाने सुन सके। कुछ दिनों बाद बनी अकेले ही झरने के पास नहा रही थी और तभी मोंग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे किनारे पर लाकर बांध देते हैं क्योंकि बॉबी उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता था। वो एक मोटी सी रस्सी से
से बनी की पीठ को कूटने लगता है और तब तक कूटता रहता है जब तक बनी की पीठ लहूलुहान नहीं हो जाती। इसी बीच उन्हें समुन्द्र में पुलिस की बोट दिखती है जिसे देखकर वो सभी लोग छुप जाते हैं। बोट की आवाज़ सुनकर लिज और उसके साथी भी किनारे पर आ गए थे और उन सबकी नज़र बनी पर पड़ गई थी। पुलिस वालों ने बनी को मार खाते हुए दूर से ही देख लिया था। उसकी रहम खाकर उसकी मदद करने यहाँ दो पुलिस वाले आए थे मगर इसी बीच मौका एक आदमी चोरी छुपे बोट की तरफ बढ़ रहा था और बोट पर सिर्फ एक ही पुलिस वाला था। अब जैसे ही दोनों पुलिस वाले बनी का हाथ खोलते हैं तो मौका आदमी बोट वाले को बेहोश कर उसकी गन उठाकर तीनों पुलिस वालों को मार देता है। पुलिस वालों के मौत के बाद मौके आदमियों के हाथ ऑटोमेटिक गन्स लग गई थी और ये सब देखकर लीज बहुत डर गया था। बॉबी एक गन उठाकर अपने आदमी से कहता है बोट में कुछ और भी सामान हो सकते हैं, तुम यहीं रुककर नजर रखना, मैं गांव में जाकर कुछ आदमी लेकर आता हूँ। इतना कहकर बॉबी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद लिज का आदमी बॉब हरकत में आता है। वो पानी में तैर कर मौके आदमी के पीछे आता है और फिर अपने पाइप से उसे बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होने के बाद बॉब बोट में से ऑयल चुरा लेता है ताकि वो ऑयल का इस्तेमाल कर मौक को नुकसान पहुँचा सके। रात को लिज का पूरा ग्रुप बातचीत कर रहा था कि मौक के पास गन्स पहुँच गई है और अब वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। लंबी बातचीत के बाद पूरा ग्रुप फैसला करता है कि इससे पहले मौक उन्हें ढूंढ कर मार डाले क्यों ना वहीं उसके गांव पर हमला कर डाले। अगले ही दिन लिज का पूरा ग्रुप मौक के गांव के पास पहुंच गया था लेकिन उन्हें गांव में कोई नजर नहीं आता। लिज के आने की खबर मौक को पहले ही मिल चुकी थी। उसके आदमियों ने लिज को गांव की तरफ बढ़ते हुए देख लिया था। गांव को खाली देखकर लिज के आदमी गांव को जलाने का फैसला करते हैं। इसके बाद लिज जूलिया के साथ मिलकर गांव के घर फोड़ने लगता है। लिज की इस हरकत के बाद मौक के आदमी भी बाहर आ गए थे और वो लिज के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। अब एक जोरदार लड़ाई शुरू होती है जिसमें सभी एक दूसरे की जान के प्यासे बने थे। बॉबी स्टोर में छुपकर गोलियां चला रहा था और उसकी गोलियां लिज के कई आदमी को मार देती है। बॉबी ने अपने लिए बिल्कुल सही जगह चुनी थी क्योंकि मौक ने स्टोर को बंकर जैसा बनाया था। बॉबी की चलाई हुई गोलियां लिज को भी लगती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिज की मौत देखकर उसके साथी डर गए थे। ऊपर से उनके पास सिर्फ एक ही बम बचा था। बनी गुस्से में आकर वो बम लेकर भागती है और उसे मौक के घर पर फेंक देती है। इसी बीच बॉबी फिर से गोलियां चलाता है और इस बार उसकी गोलियां बनी की जान ले लेती है। बनी के फेंके बम के कारण मौक काफी जख्मी हो गया था। वो किसी तरह स्टोर के पास पहुंचता है जहां बॉबी उसे स्टोर के अंदर खींच लेता है। अब बॉबी फिर से गोलियां चलाने लगा था और उसकी कई गोलियां लिज के आदमियों और लड़कियों को मार देती है। आखिर में लिज का एक आदमी ऑयल की तरफ जाकर ऑयल को पाइप में फेंकता है। ये पाइप पानी के थे जो स्टोर तक जा रहे थे। अब वो आदमी ऑयल में आग लगा देता है और आग जैसे ही स्टोर तक पहुंचती है तो एक बड़ा सा धमाका होता है। बॉबी इस धमाके में जलकर मर जाता है जबकि मौक की आंखों की रोशनी चली गई होती है। कहानी के आखिर में सभी अपराधी आराम से आइलैंड पर रहने लगते हैं। मौक के अंधा होने के कारण लिज के आदमियों ने उसकी जान बख्श दी थी और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।